आज जो मामला है वो आ गया है मस्जिद कमेटी पर, सवाल उठ रहे हैं जो इंतजामिया कमेटी है, क्योंकि मामला आ गया है जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ। ज्ञानवापी मामले में जो कागजात एबीपी न्यूज के हाथ लगे हैं, 140 साल पुराने ये जो कागजात है, इसके मुताबिक दावा किया जा रहा है कि भाई देखिए इस हिसाब से तो बताता है रिकॉर्ड की 31 बिस्वा जमीन होनी चाहिए थी, लेकिन अभी मौजूदा समय में सिर्फ 14 बिस्वा जमीन है, तो जो 17 बिस्वा जमीन बची हुई है वो कहां गई? क्या इंतजामिया कमेटी ने उसको किसी को बेच दिया, और इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठे कैसे ये समझना भी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि मुख्तार अहमद अंसारी नाम के जो शख्स है, उन्होंने ही ये 140 साल पुराने दस्तावेज जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उनको निकलवाया है, और उसके बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने, सुनवाते हैं आपको। पूरे मामले में जो डॉक्यूमेंट्स निकालने वाले मुख्तार अहमद अंसारी साहब हैं वो हमारे साथ में हैं, और ये एक बार फिर से ये डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं जो एक्सक्लूसिवली इन्होंने 140 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स निकाला हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज के कैमरे पर, और साथ में है मुख्तार अंसारी साहब, हम उनसे सीधे बात कर लेते हैं। बताइए ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स निकाला इतना माथापच्ची की, इसके पीछे का मकसद क्या है, मकसद समझना चाहते हैं? हमारा मकसद इस कागज़ को निकालने का ये है कि ये मस्जिद तो शाही मस्जिद है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है, और ये मुकदमा जब नया चालू हुआ तो हम लोग को जानकारी हुई। हम लोग बहुत पुराने ज़माने से वहाँ जुमा पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे, तो हमने कहा कि इसका कोई पेपर तो होगा। जैसा कि कई लोगों का दावा आया, राखी सिंह का दावा आया कि ये मस्जिद मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो हमने कहा कि ये बादशाहों के ज़माने की बातें हो रही हैं पुराने, तो कम से कम हम लोग ये देखें कि अंग्रेज भी हमारे यहाँ 200 साल शासन। ये बताइए कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स निकाले, ये 4 दिन पहले सर्टिफाइड कॉपी है उस डॉक्यूमेंट्स की, ये डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद आप किस नतीजे पर पहुँचे, क्या कुछ आपने पाया? हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि ये जो है अराजी नंबर 9130 मौजा सराय खास, ये जो है यहाँ पर शहर खास में ये स्थित है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड से मिला है। इस पर ज़मीन हमारी जो बहुत ज़्यादा है, 1 बीघा 9 बिस्वा 6 ढूरिया ज़मीन है, मौके पे ज़मीन 12-13 बिस्वा दिखाई पड़ रही है, जिस पर सर्वे हुआ है। विशाल सिंह जी जो रिपोर्ट अदालत में दाखिल किए हैं उसका 19 तारीख को उसका हमने नकल निकाला, तो उसमें देखा कि ये 12-13 बिस्वा ज़मीन आ रही है टोटल। तो ये बता हमारे मन में आया कि ये इतने ज़मीन थे तो ये 15-16 बिस्वा ज़मीन हुआ क्या? अंजुमन इसकी निगरानी करती है, वक्फ बोर्ड इस पर उनको मानता दी है, सर जरिए उत्तर प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड है, तो हम जानना चाहते हैं वक्फ बोर्ड से, सरकार उत्तर प्रदेश से, और अंजुमन इंतजामिया कमेटी से कि वह ज़मीन कहाँ गई जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, जो 140 साल पुराना है। अच्छा, आपको किस बात की आशंका है, आपको क्या लगता है कि जो ज़मीन है मस्जिद की वो आखिर कहाँ चली गई, इस बारे में कौन जिम्मेदार कौन है? भाई एक ज़मीन बेचने का तो सबूत पेपरों के जरिए से मालूम हुआ कि 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन विश्वनाथ बाबा कारी रोड में दिया गया, उसके अलावा ज़मीन की बात कभी कोई नहीं किया। राखी सिंह दावा करती हैं तो वो भी अराजी नंबर डालती हैं, रकबा नहीं डालती हैं। ये लोग जवाब दे ही देते हैं तो उसमें भी रकबा नहीं देते हैं। 91 में मुकदमा रस्तोगी जी वगैरह ने किया तो 3 नंबर पर किया, मगर रकबा उन्होंने हमारा लिख दिया। ये बताइए कि तो आपका साफ आरोप है कि जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, इंतजामिया कमेटी ने ही कहीं कुछ गड़बड़ी की है, इस तरीके का आरोप आप लगा रहे हैं? हम आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं, हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि अगर वह शेष ज़मीन हमें मिल जाए तो जो आज विवाद उत्पन्न हुए हैं इसको हल कराने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, उसके लिए क्या फार्मूला आपके पास है जो विवाद आप हल कराने की बात कह रहे हैं, कि क्योंकि एक जगह पर जो मस्जिद का आंगन है वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, तो आपके पास क्या फार्मूला है, कैसे ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है? देखिए ये बहुत ही बड़ा मामला है, पूरे देश का मामला है, कहिए कि और भी जगहों का मामला है, और ये शाही मस्जिद जैसे ही बहुत ही खास है, उसी तरह से ज्योतिर्लिंगों में हमारे सनातन भाई के लोग बताते हैं, सनातन धर्मी साथी, कि ये एक लिंग यहाँ पर भी है। अगर हमारे सनातन धर्मी भाई दावा कर रहे हैं कि जहाँ पर वजू खाना है, जिसको हम मुस्लिम समाज सभी लोग कह रहे हैं कि फुवारा है, अगर वहाँ वाकई में शिवलिंग निकल जाता है उच्च स्तरीय कमेटी जाँच के बाद, तो ये शेष ज़मीन अगर हमारे एक्वायरमेंट मस्जिद में आ जाती है जो पुराना हमारा है, तो इस पर बैठ के हल किया जा सकता है। अगर धार्मिक एतबार से देखा जाए, गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से देखा जाए, तो वो जगह वजू को छोड़ कर हम दूसरे जमीन पे वजू खाना बना लेंगे, विवाद हल कर समाप्त करने का जरिया बन रहा है ये विवाद। मतलब आपका कहना है कि अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि वहाँ पर शिवलिंग था तो वो जगह
छोड़ दी जाए और जो मस्जिद की पुरानी जगह है वहां पर वजू खाना बना लिया जाए और आउट ऑफ कोर्ट भी इस मामले का हल निकल सकता है। भाई हमारे साथ जो सनातन धर्मी भाई रहते हैं, बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, शशि भूषण सिंह नरिया के हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, वह लोग बताते हैं कि जहाँ देवता बसते हैं वहाँ पर पूजा होनी चाहिए। पूजा न होने से बहुत काफ़ी पाप का घड़ा होता है ना, तो ये गलत है ना। अगर हैं देवता वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट के उच्च स्तरीय कमेटी हो या उत्तर प्रदेश सरकार या सेंट्रल सरकार हो। पूर्णिया सिटी जानी ना, पूर्णिया सिटी। हाँ कुड़िया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कुड़िया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।